हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल केएल स्टडी। फ्रेंड्स, आपके लिए एक बहुत ही अच्छी न्यूज निकल करके यहाँ पर आ रही है कि आपके ईएसबी ने 2024 का जो है जो मतलब नए वर्ष में आपके जो एग्ज़ाम्स होंगे 11 एग्ज़ाम्स यहाँ पर उनका इन्होंने शेड्यूल जारी कर दिया है। तो इसमें आपके जो है एग्ज़ाम्स की तिथि दी गई है कि कौन सा एग्ज़ाम आपका कब कंडक्ट करवाया जाएगा। ठीक है, तो इसमें जो है वर्ग दो जो अभ्यर्थी बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं चयन परीक्षा के नोटिफिकेशन का, तो ये भी इसमें इंक्लूड किया गया है। ठीक है, सबसे बड़ी भर्ती परीक्षा ये होने वाली है। तो आइए देख लेते हैं एक एक करके कि पूरी इन्फॉर्मेशन क्या है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए आप सबसे पहले देखेंगे कर्मचारी चयन मंडल जो भोपाल है, चयन मंडल भोपाल द्वारा आयोजित की जाने वाली परीक्षाओं का जो आगाज है इस साल जून से शुरू होगा। कब से शुरू होने हैं आपके एग्ज़ाम्स? जून से शुरू होने हैं, और जो भर्ती परीक्षाएं हैं वो अगस्त से शुरू हो सकेंगी। ईएसबी ने 2024 के लिए एग्ज़ाम शेड्यूल तैयार कर लिया है, इसे जल्द ही जारी किया जाएगा। शेड्यूल में कुल 11 परीक्षाएं बताई गई हैं, इनमें से एक प्रवेश परीक्षा है और 10 भर्ती परीक्षाएँ हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर सबसे ज़्यादा 3 भर्ती परीक्षाएँ इस साल के अंत में दिसंबर में प्रस्तावित हैं। सितंबर, अक्टूबर, नवंबर में दो दो भर्ती परीक्षाएं होंगी। इस बार सबसे बड़ी परीक्षा माध्यमिक शिक्षक की होगी, जिसमें माध्यमिक शिक्षक में विषय शिक्षक होंगे खेलकूद, गायन, वादन, नृत्य के। ठीक है, एवं प्राथमिक शिक्षक, आपसे कहा था वर्ग तीन की पुनः से नई वैकेंसी निकलेगी, तो प्राथमिक शिक्षक भी इसमें शामिल हैं। ठीक है, इनकी चयन परीक्षा हो सकती है, मतलब इनकी पहले तो जो प्राथमिक शिक्षक है उसकी पात्रता परीक्षा होगी, इसके बाद इसकी चयन परीक्षा। लेकिन आपके माध्यमिक शिक्षक जो हैं वर्ग दो वाले, उनकी पात्रता परीक्षा हो चुकी है, अब उनकी डायरेक्ट यहाँ पर चयन परीक्षा होने वाली है। ठीक है, इसके अलावा इस बार ग्रुप फोर के तहत सहायक ग्रेड 3 स्टेनोटाइपिस्ट डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए भी वैकेंसी आएगी। ठीक है, तो यहाँ पर आप सारी चीज़ें देख सकते हैं क्या क्या बताया गया। अब जो 11 परीक्षाएं हैं उनमें कौन कौन सी हैं ये हम यहाँ पर देखेंगे। तो ये दिसंबर 2024 तक इनके एग्ज़ाम होंगे, तो यहाँ बताया गया है। तो सबसे पहले आप देख रहे हैं यहाँ पर बताया गया है महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता प्रशिक्षण केंद्रों में प्रशिक्षण हेतु जो प्रवेश परीक्षा है वो 2023 जून में। ठीक है, अब यहाँ आप देखिए सेकंड नंबर पर माध्यमिक शिक्षक में विषय शिक्षक खेलकूद, गायन, वादन, नृत्य एवं प्राथमिक शिक्षक में भी खेलकूद, गायन, वादन, नृत्य, इनकी चयन परीक्षा 2023 अगस्त में। तो अब आप यहाँ पर अपनी तैयारी को बहुत अच्छे तरीके से स्टार्ट कर दीजिए। आपका जो है ये शेड्यूल डल गया है, आपकी जो चयन परीक्षा है वो अगस्त में होगी। ठीक है, यहाँ स्पष्ट तौर पर बता दिया गया है। अब दिया है आईटीआई प्रशिक्षण अधिकारी के पदों हेतु यहाँ पर भर्ती परीक्षा 2024 दिसंबर में, महिला बाल विकास के अंतर्गत महिला पर्यवेक्षक जो सुपरवाइजर की भर्ती है वो भी आपके 2024 सितंबर में होगी। तो इसका भी लाखों अभ्यर्थी इंतज़ार कर रहे हैं कि आपकी जो है महिला पर्यवेक्षक या महिला सुपरवाइजर की भर्ती वैकेंसी कब आएगी, तो सितंबर में यहाँ बताया गया है। ठीक है, तो आप इस सारी देख सकते हैं भर्तियाँ कौन सी भर्ती परीक्षा कब होगी। तो मुख्य रूप से यहाँ हम वर्ग दो की बात करें तो वर्ग दो के अभ्यर्थी बहुत ही लंबे समय से इंतज़ार कर रहे हैं अपनी चयन परीक्षा का, क्योंकि इन्होंने पात्रता परीक्षा क्वालिफाई कर ली है, और कुछ पिछले अभ्यर्थी भी हैं जिन्होंने पात्रता परीक्षा क्वालिफाई कर रखी है, तो सभी को इंतजार है चयन परीक्षा का। तो स्पष्ट तौर पर यहाँ अगस्त की बात की गई है कि अगस्त में आपकी जो है चयन परीक्षा करवाई जाएगी। तो हो सकता है अगस्त के एक महीने पहले ही आपका नोटिफिकेशन डल जाए, फिर आपके पास में केवल एक महीने का टाइम बचेगा पढ़ने के लिए। इसीलिए बार बार कहते हैं कि अभी से अपनी तैयारी को स्टार्ट कर दीजिए और बहुत अच्छी तैयारी करिए, क्योंकि कॉम्पिटिशन बहुत ज़्यादा होने वाला है और पद यहाँ पर कम बताए गए हैं। ये बाद की बात होती है कि पद वृद्धि हो जाए, लेकिन हमें तो अभी जितने पद यहाँ पर इंक्लूड किए गए थे, जितने बताए गए हैं, उन्हीं के अकॉर्डिंग अपनी तैयारी करनी है, और एक पद से मतलब होना है अपन को। ठीक है, तो अच्छी तैयारी करिए। अब आपकी यहाँ पर डेट भी बता दी गई है कि कब आपका एग्ज़ाम होगा। अब आपका मन भी लगेगा पढ़ने में कि आपकी डेट आ चुकी है, अब हमें कैसे और क्या तैयारी करनी है। ठीक है, और यदि आप साइंस की तैयारी वर्ग दो चयन परीक्षा की करना चाहते हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल से जुड़ सकते हैं। इस पर हम आपको बायोलॉजी की क्लासेस, मतलब लगभग 50 क्लासें हो गई हैं बिल्कुल पात्र परीक्षा के सिलेबस के अकॉर्डिंग ही, तो आप वो भी देख सकते हैं। ठीक है, मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।